और इस बीच अहम खबर यह कि सीज फायर की आड़ में एलओसी पर पाकिस्तान की नई साजिश सामने आई है। एलओसी पर दौरे के बाद बाजवा का पाकिस्तान की सेना को ऑर्डर, ऑपरेशनल तैयारियों को हाई स्टैंडर्ड करने का ऑर्डर दिया गया है। तो पाकिस्तान की साजिशें जो हैं वो किस तरह से खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं और ऐसा लग रहा है कि सीज फायर रास नहीं आ रहा है पाकिस्तान को, क्योंकि बातें तो की जाती हैं पीस की, शांति बरकरार करने की और शांति बनाए रखने की, लेकिन पीठ पीछे क्या किया जा रहा है वो जरा देखिए। पाकिस्तान की सेना एलओसी पर तैनाती मजबूत करने में जुटी हुई है, ये जानकारी मिल रही है। स्कार्दू एयरपोर्ट पर चीनी फाइटर जेट को उतरने की इजाजत दे दी गई है, इससे मंशा का अंदाजा होता है पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने एयरपोर्ट पर चीन को ड्रोन तैनात करने की भी इजाजत दे दी है। स्कार्दू एयरपोर्ट पर चीन के फाइटर जेट्स रिफ्यूल होंगे। स्कार्दू में ही चीन को सेना का साजो सामान रखने की भी परमिशन दे दी गई है। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान फिर से कश्मीर का राग अलापने लगे हैं। ये सारी बातें किस ओर इशारा कर रही हैं? ये समझने की जरा कोशिश की जाएगी। 50,000 करोड़ की डिफेंस डील जो है उसको लेकर अहम खबर है। 4 जून को डिफेंस एग्जीक्यूशन काउंसिल ने इस डील को मंजूरी दी। डील के तहत युद्धक पनडुब्बियों का निर्माण करेगा इंडिया। तो एक तरफ दुश्मन मुल्कों की क्या तैयारी और दूसरी तरफ उसका सामना करने के लिए हमारी तैयारी कैसी है। 43,000 करोड़ के बजट में 6 पनडुब्बियां बनेंगी, यानी जल में, पानी में अपनी ताकत को और मजबूत किए जाने की कोशिश। एयर डिफेंस गन और आर्मी एम्यूनिशन का भी ऑर्डर दिया गया है। वायुसेना की ताकत को और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। एयर डिफेंस गन और आर्मी एम्यूनिशन के लिए 6,800 करोड़ का बजट रखा गया है। हमारे साथ जावेद गफ्फारी साहब मौजूद हैं। गफ्फारी साहब, एलओसी पर ये हलचल और जिस तरह से आप अपने एयरबेस का इस्तेमाल करने की चीन को इजाजत दे दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है चीन का दखल बढ़ता ही जा रहा है पाकिस्तान में। कहीं कुछ दिनों बाद ये ना कह दिया जाए कि पाकिस्तान में हुकूमत भी अब चीन ही चलाएगा डायरेक्टली। सही कह रहे हैं समीर, आप बड़ी जबरदस्त आपने बात की। अभी आपको इन्फॉर्मेशन, आपने संजय साहब की बात सुनी, उसके अंदर पाकिस्तान नहीं, उन्होंने इंडिया का कहा कि इंडिया चीन के साथ इकोनॉमी पिछले साल से ज्यादा कर पाया है। खुद तो आप उसके साथ इकोनॉमी ताल्लुक रखना चाहते हैं और हमें आप उनके साथ जो ताल्लुक है वो भी आप खत्म करने को कहते हैं। खुदा के बंदे, वो हमारा दोस्त है, हमारे दोस्ती के में उसके साथ जो भी मामला है हमारा आपस का मसला है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। हम स्कर्दू उसको उसके एयरपोर्ट पे कहें, वो तो ग्वादर के अंदर भी एयरपोर्ट बना रहा है, आपको पता है 2022 में उसका इफ्तिताह है और वो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, इस बात की आपको इन्फॉर्मेशन है। वो कौन बना रहा है? वो चीन बना रहा है। चीन हमारे साथ मिलके काम कर रहा है, मुख्तलिफ मुआहिदों के ऊपर हमारे साइन हो गए हैं, हम लोग कर रहे हैं, इसमें तो कोई बात है ही नहीं। हम इकोनॉमी उसके साथ ताल्लुक रखें तो आपको मसला है नहीं, तो ये चीन के साथ मिलकर युद्ध के सारे साजो सामान इतने बड़े पैमाने पर क्यों इकट्ठे किए जा रहे हैं? क्या मंशा है इसके पीछे? हमारी जरूरत होगी, हम उसे खरीद रहे होंगे, जरूरत है, फिर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हमारा आपसी मामला है, उनके साथ ताल्लुक है। आप अपनी अभी बताया कि 50,000 से ज्यादा हमने चीजें वहां पे बंदे खड़े कर दिए हैं एलएसी पर, लेकिन हम स्ट्रेटजी नहीं बताएंगे। जावेद गफारी बैठे हुए हैं तो हम भी आपको स्ट्रेटजी कैसे बताते हैं? हमारी इंटरनल इश्यूज हैं, चीन के साथ हमारा जो भी मैटर्स है हमारा मामला है, हम स्ट्रेटजी क्यों बताएं भाई? हमारा उसके साथ ताल्लुक है, चाहे हम उससे गफारी साहब स्ट्रेटजी ना बताइए, लेकिन ये तो बता दीजिए कि पाकिस्तान ने अपने आप को गिरवी रखने की सोच ली है क्या चीन से? पाकिस्तान कभी कभी गिरवी नहीं रख सकता। पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है और 1947 में आपसे एक दिन पहले, अरे भाई, जो चीन की एक्सपेंशन की पॉलिसीज हैं, जो विस्तारवादी नीतियां हैं, उससे वाकिफ है ना आप लोग? किस तरह से पीओके में जो आपकी परियोजनाएं चल रही हैं चीन के साथ मिलकर, उसका विरोध हो रहा है, इससे वाकिफ है ना? आपको ये मालूम है कि चीन को हम लोगों ने मुस्तहकम करने में मदद की थी, हम लोगों ने, पाकिस्तान ने चीन को मुस्तहकम करने में मदद की थी। इस चीज का बदला चीन देना चाहता है, चीन भी हमें मुस्तहकम करने में हमारा साथ देना चाहता है, क्योंकि हम आपके साथ लड़ते रह गए, हम पीछे रह गए, हमारे जो सियासतदान थे वो आप लोगों के पिट्ठू थे, आप लोगों से उनके इस तरह के ताल्लुकात थे कि हम लोग पीछे रह गए, हम लोग नहीं बना सके। तो चीन हमें मदद करना चाह रहा है, चीन अपना जवाब दे रहा है, बदला दे रहा है, ना कि चीन हमारे ऊपर कोई एहसान कर रहा है। हम लोगों ने भी उनको मुस्तहकम करने में किरदार अदा किया हुआ है,
ये बात उनके अपने जो चीन के सफीर थे ना उसके साथ मेरी वन ऑन वन मुलाकात हुई थी पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने ये बात मुझे की थी। मेरे पास उसका साउंड पॉइंट भी मौजूद है, आप कहेंगे तो मैं सेंड कर दूंगा। अच्छा, तो पाकिस्तान के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा चीन, ना ही चीन को कब्जा करने नहीं तो, लेकिन एलओसी पर जो सीज फायर है, जो फिलहाल पीस नजर आ रही है, वो रास क्यों नहीं आ रही आप लोगों को, क्या दिक्कत है? एलओसी पर सीज फायर हमारी वजह से है ना, किसने कहा था? वजीर अच्छा, आपकी वजह से खान ने पहल की थी ना, जनरल कमर जावेद बाजवा ने पहल की थी ना, उसके बाद आप लोगों ने इसको सेकंड किया ना, हमारी वजह से एलओसी पर है। तो हम चाहते हैं कि एलओसी पर सीज फायर रहे, आप लोग उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं, आप लोगों को अल्लाह ईमान में रखे और आप भी इस तरह डटे रहे जिस तरह अभी आप सीज फायर के ऊपर रुके हुए हैं, आप लोगों को भी मुस्तहकम होने की। मनीष झा, लेकिन फिर ऐसे में अगर सीज फायर बरकरार ही रखना चाहता है पाकिस्तान, तो फिर इन तैयारियों का क्या मतलब है? सीज फायर की आड़ में क्या कर गुजरने की मंशा है पाकिस्तान की? देखिए, ये तो पाकिस्तान की फितरत है, पाकिस्तान के बारे में यही कहा जाता है कि वो ना कभी किसी का एहसान मानता है। अब आप देखें ना कि आज वो कह रहे हैं कि चीन अपने एहसान का बदला चुका रहा है और कोई एहसान हम पर नहीं कर रहा है। यही पाकिस्तान था जब बिन लादेन को ढूंढे जाने की तैयारी हो रही थी अमेरिका से, तो अमेरिका के जो डॉलर आ रहे थे उससे पाकिस्तान का खर्चा चलता था। उसके बाद सऊदी अरब से पैसा आने लगा, अब जब वहां से पैसा नहीं आने लगा तो अब चीन से पैसे के जुगाड़ में है ताकि चीन से पैसा आता रहे, और फिर जावेद भाई के यहाँ जो हुक्मरान है उनकी सैलरी और उनके खर्चे पानी चलते रहे, तो ये पाकिस्तान की फितरत है। इस बीच में उनके यहाँ जो सबसे बड़ा एजेंडा है वो यही है कि भारत के विरोध में माहौल बनाए रखना, और उसी के लिए तमाम तरह की तैयारियां हो रही है। कई बार वो चीन को बैक सपोर्ट करने के लिए ये सारी तैयारियां करती है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर एलओसी पर सीज फायर हो रहा है, और तो ये बात सच है कि सीज फायर का उल्लंघन भी कौन कर रहा था? एक साल में 2000-3000 बार उल्लंघन पाकिस्तान ही तो कर रहा था, अभी उल्लंघन नहीं कर रहा है, बस यही बात है। बिल्कुल जावेद गफारी साहब, यही तो बात है ना, अब आप ही को तय करना है। अब सीज फायर का उल्लंघन आप करेंगे तो फिर मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। अब आपने ये तय कर लिया है कि सीज फायर का वायलेशन नहीं करेंगे तो अच्छी बात है, देखते हैं कब तक ये लागू रहता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।